हिंदू धर्म रे तिलक को बहुत शुभ बोली गणा जाए। भगवान को पूजा समय रे तिलक लगाइले व्यक्ति को सुख शांति प्राप्त होइथाय। एहा सह तिलक को विजय रो प्रतीक रूपे मध्य लगा जायथाय। तिलक लगाइबा बेले सबुबेले रिंग फिंगर बा अनामिका अंगूठी प्रयोग करा जायथाय। किंतु शास्त्र रे अन्य अंगूठी गुडी करे तिलक लगाइबा विषय रे वर्णना रहिछि। तेबे आसंतु जानिबा कोन रहिछि उल्लेख। जदि केही व्यक्ति कोनसी भल कामरे घरु बाहर को जाउथिबे तेबे तांकु मझी बा मध्यमा अंगुली रे तिलक लगाइले शुभ होइथाय। एहा सफलतार प्रतीक। मध्यमा अंगुली शनि ग्रह सहित संबंधित रहिछि। जदि आपण परीक्षा इंटरव्यू किंबा बिजनेस मीटिंग पई जाउछंती ताहाले एही अंगुठी रे तिलक लगांतु। हिंदू धर्म रे भगवान को सबुबेले अनामिका अंगुठी रे तिलक लगा जायथाय। एथिरे तिलक लगाइले समृद्धि आसीथाय। अनामिका अंगुठी को सूर्यंक बास भाबे जणा जायथाय। एथिपई समाज रे मान सम्मान पाइबा एवं कोनोसी खास कामरे विजय हासिल करबा लक्ष्य रे अनामिका अंगुठी रे तिलक लगा जायथाय। हस्तशास्त्र अनुसारे वृद्धा अंगुली रे शुक्र ग्रहंक बास होइथाय। एथिरे तिलक लगाइले व्यक्तिर भाग्य तेज होइथाय। एहा द्वारा मन पसंदर चाकरी मिलिथाय एवं व्यापार रे सफलता मध्य प्राप्त होइथाय। जदि घरे केही सदस्य दीर्घ समय धरि रोगरे पीड़ित रहिछन्ति तेबे तांक मथारे वृद्धा अंगुली चंदन टीका लगाइबा उचित। एही प्रक्रिया प्रतिदिन करंतु। एमिती कले रोगी बहुत जल्दी भल होइजिबे। सेहिपरि जदि रक्षाबंधन रे भौणी भाई मथारे वृद्धा अंगुली तिलक लगाइबो तेबे भाई भौणीर संपर्क सेते मधुर हेबो। हातर सबुठु छोटो अंगुठी को मुख्य प्राप्तिर जरिया कुआ जायथाय। एथिपई एही अंगुठी रे तिलक लगाइले मृत्यु परे व्यक्तिंकु स्वर्ग प्राप्ति होइथाय। ब्युरो रिपोर्ट, के न्यूज ओडिसा।